और भारी भरकम चुनावी घोषणाओं के साथ सत्ता पर आई हिमंत सरकार पर विपक्ष अब वादा खिलाफी के आरोप लगा रही है, जिसके बाद सरकार में कांग्रेस के मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार अपने वादों के प्रति गंभीर है और जल्द ही सारे वादे सरकार पूरा भी करेगी। झारखंड में नई सरकार के गठन के 8 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर सकी है। विपक्षी दल बीजेपी की माने तो ये वादे सिर्फ चुनावी ही थे। हालांकि कांग्रेस के मंत्रियों का कहना है कि वो अपने चुनाव के वक्त किए वादों के प्रति गंभीर है, सरकार हर एक वादा पूरा करेगी। देखिए, बीजेपी जो कह रही है गलत कह रही है। हमारी सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने सारी व्यवस्था की, जो जो हम लोग घोषणा पत्र में बोले थे सब पर किया है। जैसे कि MSP बढ़ाने का, तो अभी 2000 दे रहे हैं प्रति क्विंटल, हमको 2500 देना है, हमको देंगे, हम अभी पैसा देंगे, अलग ढंग से देंगे, एक साथ तो दे नहीं सकते हैं। बेशक 8 महीने की हेमंत सरकार के कार्यकाल में लगभग 5 महीने कोरोना संक्रमण से लड़ने में गुजर गए। इस दौर में सरकार ने कई सराहनीय कार्य भी किए। बावजूद इसके हेमंत सरकार के चुनावी वादे सरकार में शामिल सभी दलों के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। देखिए, ये बात सही है क्योंकि हम लोग ने जो चुनाव के दरमियान एक नहीं कई अनेक हम लोग ने वादा किए थे कि हम लोग जैसे हमारी सरकार बनती है हम धीरे धीरे हम इस काम को अंजाम देंगे, लेकिन COVID-19 आ जाने के कारण हम लोगों ने उस दिशा में ज्यादा काम नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे हम लोग उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं, फोकस ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार संवेदनशील है और हम लोग को यह भी याद है कि हम लोग ने आम जनों के बीच में क्या वादा करके है उसको हमको पूरा। वादे हैं वादों का क्या, ये कहावत तो सुनी होगी आपने, और अक्सर चुनावी सभा में ऐसे वादे सुनने को मिल ही जाते हैं जो हवा हवाई होते हैं। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड की हेमंत सरकार जनता से किए गए वादों पर कितना खरा उतरती है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।